बस सबसे पहले जय हिंद जय भारत। मेरा नाम असलम है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ब्लॉक मोहनपुर से हूँ। तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हम नेहरू युवा केंद्र डिपार्टमेंट से हैं, वॉलंटियर्स हैं, और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी नेहरू युवा केंद्र डिपार्टमेंट्स हैं, पूरे वॉलंटियर्स जो हैं एक मेमोरेंडम सौंपने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं अपने ज़िले के जो DC हैं, कलेक्टर हैं और अपने DYOs को, सभी को एक ज्ञापन सौंपा है। वो इस विषय में सौंपा है कि हम बीते 3 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम्स हैं उनको हमने डोर टू डोर, घर घर तक पहुंचाया, गांव गांव तक पहुंचाया और जन जन तक हमने वो पहुंचाया। और हमने कोरोना के इतने ख़तरनाक पीरियड के अंदर भी लोगों को घर घर तक जाकर के मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, सैनिटाइज़र दिए हैं, उनको कोरोना जैसी इस ख़तरनाक संक्रमण से कैसे लड़ना है हमने लोगों को जागरूक किया अपनी जान की परवाह किए बगैर। 2 साल तक हमारा था, हमसे लिख के लिया था कि आपको 2 साल तक वॉलंटियरली डिपार्टमेंट में काम दिलाया जाएगा। उसके बाद मार्च 31 के बाद हमें एक्सटेंशन दी जाती है, लेकिन तब से लेकर के अभी तक हमसे रिटर्न में कुछ नहीं लिया गया। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे जितने भी काम करवाए उसके बदले में हमें मात्र 5,000 पे मानदेय के तौर पे हमें रखा हुआ है, मंथली 5,000, जो कि हम ग्राउंड लेवल पे काम करना है, डोर टू डोर जाना है, गांव गांव तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को पहुंचाना है, तो वो हमारा किराए खर्च होता है। आज हम उसके रिलेटेड चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी डिमांड है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी हैं मिनिस्टर, और मैं सबसे बड़ी मांग जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहता हूँ। हमारे सारे वॉलंटियर पूरे भारतवर्ष से आज वो डिमांड उठी है कि हम एक मेमोरेंडम जो है अपने ज़िला अधिकारी को सौंपें, ज़िला युवा अधिकारी को सौंपें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें, अगर हम मुश्किल वक्त में काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, और इसके साथ साथ हमारी जो मिनिमम वेज है उसको फिक्स किया जाए। एक तो हमें परमानेंट किया जाए, हमारी मिनिमम 5,000 रुपये से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मसला वो नहीं है, लेकिन मसला ये है कि 5,000 रुपये पे गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और डोर टू डोर सेवाएं पहुंचानी है उसके लिए भी हमारे लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हम ये चाहते हैं कि एक तो हमें परमानेंट किया जाए और दूसरा हमारी जो है सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। तो हम जो है आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, हमारे जो DG हैं उनसे, हम सबसे गवर्नर, हमारे ये हैं गवर्नर जनरल जो हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड पर जो है वो गौर किया जाए और हमें जल्दी से जल्दी जो है हमारी मांगों को पूरा किया जाए।